उन्नाव पुलिस को मिली बड़ी सफलता। उपचुनाव से पहले जिले की पुलिस ने पकड़ा अवैध असलहों का जखीरा। अंतर जनपदीय 4 सातीर असलहा तस्करों समेत 17 नाजायज असलहे की बड़ी खेप को किया बरामद। SOG और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मिली बड़ी सफलता। अलग अलग जिलों में असलहे तस्कर करते थे असलहों की सप्लाई। आपको बता दें, 3 नवंबर को बांगरमऊ की खाली पड़ी सीट पर उपचुनाव होना है और उससे पहले ही पुलिस ने जनपद में असलहों की इतनी बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने ऑपरेशन में अमन यादव, सचिन सिंह, अनुराग यादव, विजय कुमार उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया है। सदर कोतवाली के दही चौकी के पास से सभी साथियों को पकड़ा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम को 10,000 का इनाम देकर सम्मानित किया गया है। असलहों की खेप का इतनी बड़ी मात्रा में पकड़ा जाना सवाल खड़े करता है कि क्या जनपद में किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे ये साथी? ड्राइंग टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है और इसमें एक अंतर जनपदीय गिरोह जो कि आर्म्स के इलीगल आर्म्स के मैन्युफैक्चरर में इन्वॉल्व था, उसको गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी मिली है। इसमें 4 अभी गिरफ्तार हुए हैं। अमन यादव जो थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ का रहने वाला है, सचिन सिंह ये असीगंज उन्नाव का रहने वाला है, अनुराग यादव थाना माखी जनपद उन्नाव का रहने वाला है और विजय कुमार उर्फ मोनू सिंह ये आसीगंज उन्नाव का रहने वाला है। ये लोग विगत कई दिनों से हरदोई और उसके आसपास के इलाके में आर्म्स को मैन्युफैक्चर करके उन्नाव और उसके आसपास के जनपदों में, जैसे कि हरदोई, रायबरेली, लखनऊ, उन्नाव, इन जनपदों में उनका आर्म्स का जो है सप्लाई कर रहे थे लगातार। इनके कब्जे से 17 आर्म्स बरामद हुए हैं, जिसमें से कुछ राइफल्स हैं और 2 पिस्टल्स हैं। इसके अलावा 315 बोर के 2 तमंचे, 3 तमंचे हैं, 8 तमंचे 12 बोर के हैं, 3 देसी राइफल 315 बोर की है, 1 देसी बंदूक 12 बोर की है और भारी मात्रा में इनसे कारतूस भी जो है बरामद हुए हैं। आज इनको चारों लोगों को गिरफ्तार करके भेजा जा रहा है। इसमें एक गैंग का लीडर अभी गिरफ्तार होने के लिए शेष है, जिसकी तलाश हम लोग कर रहे हैं और विगत उसका पूर्व का आपराधिक इतिहास में विगत कई दिनों से ये लोग इलीगल आर्म्स मैन्युफैक्चर में इन्वॉल्व थे और बाई इलेक्शन को दृष्टिकोण से को देखते हुए भी ये पुलिस के लिए बड़ी उपलब्ध है। पर उन्नाव जनपद की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ये बड़ी कामयाबी वो है कि जनपद में अवैध असलहों का कारोबार बड़े पैमाने पर किया जा रहा था। स्वाट टीम और पुलिस की संयुक्त ऑपरेशन में पुलिस ने 17 बने असलहे, जिसमें राइफल, 12 बोर्स, पिस्टल्स, 315 बोर तमंचे, कारतूस, इस तरह से भारी मात्रा में जखीरा बरामद हुआ है, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन नवक जो हमारे कप्तान साहब हैं आनंद कुलकर्णी, जिन्होंने इसका मीडिया सेल में खुलासा किया और बताया कि इसका जो कारोबार किया जा रहा था उन्नाव जनपद में बड़े पैमाने पर किया जा रहा था और कई लोगों को सप्लाई किया जा रहा था, जबकि हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, इन जनपदों में इसका जो व्यापार किया जा रहा था। इसमें 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं जो कि निवासी उन्नाव के बताए जा रहे हैं, उसमें कुछ बाहर के भी, जिसमें एक जो उनका मुख्य सरगना है गुड्डू सिंह जो हरदोई बताया जा रहा है मल्लावा का, वो अभी फरार चल रहा है, पुलिस उससे गंजा कसने का प्रयास कर रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए चुनाव आते ही अवैध असलहों का बड़ा कारोबार शुरू हो जाता है। राजनीतिक नेताओं को उसका सप्लाई करने के लिए इसका चुनाव में लोग गलत तरीके से उपयोग करते हैं, क्योंकि आगामी उस समय में भी विधानसभा बांगरमऊ में उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से कमर कसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि इन असलहों का व्यापार कारोबार या सप्लाई किन किन लोगों की जाती है, क्या पुलिस उनके गिरेबानों तक इनके हाथ पहुंच पाएंगे या फिर यहीं तक इस पूरे जो घटनाक्रम है उसको दबाकर कानूनी कार्रवाई जा सके, इसको समाप्त कर दिया जाएगा। HPS इंडिया टीवी के लिए भरत चंद्र, उन्नाव।